नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेड़ा और नोकिया ने फाइनली इंडिया में अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए, जिनमें शामिल है नोकिया 6 2018, नोकिया 7 प्लस और नोकिया 8 सिरोको एडिशन। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास आज नोकिया 7 प्लस पड़ा है, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के इस फ़ोन के बॉक्स को खोल लेते हैं। और मैंने बॉक्स को खोला है और आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये बेहतरीन स्मार्टफोन पड़ा है जिसका नाम है नोकिया 7 प्लस। और तब तक साइड में इसको ऑन भी कर देता हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ये आपको मिलेगा सिम इजेक्शन टूल, साथ ही साथ एक सिलिकॉन कवर फ्री मिलेगा आपको। ये रही क्विक स्टार्ट गाइड और इसी के अंदर आपको वारंटी कार्ड भी मिलेगा। इस छोटे से बॉक्स के अंदर दिया है चार्जर जो कि 5 वोल्ट 2.5 एम्पीयर का है, और साथ ही साथ इसमें दी है टाइप सी केबल, और ये दिए हैं हेडफोन्स जो कि फिलहाल डिसेंट क्वालिटी के लग रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप मार्केट में स्मार्टफोन को खरीद जाएंगे, ये सारी एक्सेसरीज आपको इस फोन के साथ मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं इस फोन का फर्स्ट इंप्रेशन। अब इस फोन का फर्स्ट इंप्रेशन जानने से पहले मैं आपको कीमत बता दूं, तो कंपनी ने इसे लॉन्च किया है 25,999 रुपये कीमत पे, यानी 26,000 रुपये। 26,000 रुपये में इस फोन में आपको क्या मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि कंपनी ने इसे 6000 सीरीज एल्यूमिनियम बॉडी से बनाया है, जिस वजह से ये काफ़ी सॉलिड है और आपको एक अच्छी फील भी देगा। जैसे ही आप इस फोन को हाथ पकड़ेंगे, ये आपको एक रॉक सॉलिड फ़ोन की तरह ही लगेगा। साथ ही साथ इसके जो ये आप डायमंड कट एजेस देख रहे हैं, इस वजह से इस फोन की लुक्स काफ़ी एनहांस होती है। और कंपनी ने इस बार इसमें कलर्स जो वेरिएशन दी, यानी ये ब्लैक और जो ये कॉपर का मिक्सचर है, ये भी फ़ोन को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको बता दूं कि इसमें मिलता है 6 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और डिस्प्ले, और आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितना ब्राइट है, वाइब्रेंट है, और इसका टच रिस्पॉन्स भी एकदम स्मूथ है। आपको किसी भी तरह से इस फोन से निराशा नहीं होगी। इसके व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। और बात करें इसके इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशंस की, तो कंपनी ने इसमें दमदार स्पेसिफिकेशन मुहैया कराए हैं, यानी इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट, 4GB की रैम है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट है इसमें, साथ ही साथ 3800mAh की बैटरी है, और ये फ़ोन एंड्रॉयड ओरियो पे चलता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने इस बार जो ये फ़ोन्स निकाले हैं, इन्हें एंड्रॉयड 1 की ब्रांडिंग के अंदर निकाले हैं, यानी अब आपको टाइम टू टाइम नोकिया के इन फ़ोन्स में एंड्रॉयड के अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसमें एंड्रॉयड ओरियो दिया है और कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्द आपको एंड्रॉयड पी का अपडेट मुहैया करवाया जाएगा। वहीं बात करें कैमरास की, तो इसमें दिया है डुअल रेयर कैमरा, एक सेंसर 12 मेगापिक्सल का है और दूसरा सेंसर 13 मेगापिक्सल का है। कार्ल ज़ीस सेंसर्स को इस्तेमाल किया गया है, 2x ऑप्टिकल जूम मिलेगा आपको इसमें, बोथ ही मोड दिया है, PIP मोड दिया है। इसके साथ साथ इसमें आपको प्रोफेशनल मोड भी मिलेगा और बोके मोड भी मिलेगा। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, शटर स्पीड काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस वाइज कैमरास कैसे साबित होंगे ये मैं आपको रिव्यू के बाद ही बता पाऊंगा, अभी जजमेंट देना ठीक नहीं रहेगा। पर आपको बता दूं कि फ्रंट में भी एनीवे आपको ये बोथ ही और PIP मोड मिलता है, साथ ही साथ प्रो मोड भी दिया है, ब्यूटी मोड भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने इसे दमदार स्पेसिफिकेशन से लैस किया है, जो फ़ोन पकड़ने में भी काफ़ी सॉलिड है और आपको एक अच्छी ग्रिप भी देगा और प्रीमियम क्वालिटी का भी एहसास कराएगा। लेकिन माना कि कीमत थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, पर उसमें भी ये आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने इसे ऑफलाइन मार्केट के लिए उतारा है और इसकी ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। ये फ़ोन सैमसंग के फ़ोन्स के मुकाबले ही ठहरता है। नोकिया अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बहुत ही शानदार फ़ोन माना जाता है,
हालांकि Xiaomi Redmi Note 5 Pro आपको इससे कम कीमत पर लगभग सेम स्पेसिफिकेशन मुहैया कराता है, लेकिन नोकिया का मुकाबला ब्रांड के मामले में Xiaomi नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा है ये फ़ोन, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं जल्द से जल्द आपको इस फ़ोन का रिव्यू दिखाऊं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फ़ोन का किसी और फ़ोन के साथ कंपैरिजन करूं, प्लीज़ आप वो मेंशन कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।